देखो आज की क्लास में हम बात करते हैं आज लेक्चर टू में हमने बात करी थी प्रीपोजिशन के बारे में, जिसमें हमने क्या है प्रीपोजिशन के डेफिनेशन बताया था आपको, प्रीपोजिशन के टाइप्स बताए थे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ के अंतर्गत जितने भी प्रीपोजिशन थे हमने प्रीवियस ईयर क्लास में कर चुके हैं। बात करते हैं हम सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन की, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि सेकंड क्लासिफिकेशन प्रीपोजिशन जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड, मतलब प्रयोग के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। एज ए लाइक मतलब जो प्रयोग करते हैं, एज ए लाइक हम टाइम, प्लेस, मूवमेंट, डायरेक्शन या स्पेशल जो भी है, तो उन चीज़ों के लिए हम सेकंड क्लासिफिकेशन का हमने यूजेस के आधार पर हमने इसका डिवाइडेड किया हुआ है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन का जो डिवाइडेड किया हुआ था वो हमने चार टाइप से किया हुआ था, कौन सा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड जो था आपका वो था प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, और फोर्थ जो था आपको वो था आपका स्पेशल प्रीपोजिशन। तो बात करते हैं अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, किसकी? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक, सेकंड क्लासिफिकेशन का आपका ये फर्स्ट टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि हम समय के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो बात करते हैं हम, जैसे कि मैं आपको एक थ्योरी के माध्यम से ना पढ़ाकर मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का ये मतलब समय के लिए हम प्रीपोजिशन जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने इस लाइन के अंतर्गत मैंने आपके प्रीपोजिशन वर्ड्स, जितने भी प्रीपोजिशन समय के लिए टाइम के लिए जो यूज होंगे उनको दर्शाया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन या मीनिंग, मतलब ये है कि अगर हम ऑन का प्रयोग समय के लिए करेंगे तो वहाँ किस मीन्स के लिए करेंगे। अब भाई समय के लिए हम बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज करेंगे लेकिन हर किसी का मीन्स अलग अलग होता है, तो उस चीज़ के लिए हम एक्सप्लेनेशन या मीनिंग के साथ आपको दर्शाएंगे कि ऑन का अगर प्रयोग कर रहे हैं हम तो किस मीनिंग के लिए हम स्पेशली इसका प्रयोग करेंगे। भाई आप ये भी तो कह सकते हो कि सर हम ऑन की जगह पर इन क्यों नहीं लगा रहे, तो सबका मीन्स अलग अलग होता है, तो उस मीन्स के लिए हमने यहाँ दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन या मीनिंग भी आपको दर्शाया है। देन आपको ये भी बताया है कि इसका यूज किस टाइप से करेंगे हम, तो एग्जाम्पल ऑफ यूज मैंने कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है जिसके माध्यम से आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं अब हम प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के सबसे पहले हमने लिया ऑन। ठीक है, तो ऑन प्रीपोजिशन जो है वो समय के लिए यूज होता है। ठीक है, अब समय के लिए यूज होता है, अब इसका जो मीन्स है वो किस मतलब किस जगह पे हम इसका यूज करेंगे। तो देखो जहाँ डे की बात आ रही हो या डेज की बात आ रही हो, किसकी बात आ रही हो? डेज। अब डेज कौन से होने चाहिए? ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह के जो वीक होते हैं। ठीक है, सप्ताह के जो दिन होते हैं उनमें से या तो कोई दिन हो या कोई तारीख हो। ठीक है, तो उनके लिए हम ऑन का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, ऑन संडे। ठीक है, तो आप कह सकते हो संडे क्या है, यहाँ पर एक डे है और डे किस में से है? ऑफ द वीक, मतलब वीक का ही कोई एक डे है संडे। ठीक है, तो उसके आगे हमने किसका? संडे का यूज किया, ऑन का यूज किया, तो ऑन संडे। अब बात करते हैं सर आपने डेट की, डेट भी बताया हमें, तो जैसे कि 1 मई, 1 मई, तो उसके आगे हमने ऑन लगाया, तो जैसे एग्जाम्पल से अब क्लियर हो गया होगा ऑन मई 1। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि एक स्पेशल डेट से या डे होते हैं जैसे कि क्रिसमस इवनिंग। ठीक है, तो ऑन क्रिसमस इवनिंग। ठीक, तो इस टाइप से हमने ऑन को समझा कि ऑन प्रीपोजिशन जो है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है, और टाइम के लिए स्पेशल किस मीन्स के लिए यूज किया जाता है? डेज या डेट्स के लिए हम उस ऑन का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे समय के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन की, किसकी? इन प्रीपोजिशन की। तो इनका भी हम प्रयोग करते हैं समय के लिए, किसके लिए? समय के लिए, टाइम के लिए। अब बट किस मीन्स के लिए करेंगे हम? अभी तो हमने ऑन भी पढ़ा समय के लिए, अब हम बात करें कि इनका, अब दोनों एक साथ तो लगा नहीं सकते, तो हम अब देखेंगे कि ओनली ऑन का जो प्रयोग किया वो हमने डे और डेट्स के लिए किया, लेकिन इनका जो प्रयोग कर रहे हैं हम वो किसके लिए कर रहे हैं? मंथ्स हो, सेशन हो, ईयर हो। ठीक, क्या हो? मंथ्स हो, सेशन हो, ईयर हो।
तो इनके लिए हम क्या है, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जैसे कि इन समर, ठीक है, इन समर, इन जुलाई मंथ्स हो गया, इन 2019 क्या हुआ, ईयर हुआ, जुलाई मंथ्स हो गया, समर क्या हुआ, एक सेशन है तुम्हारा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इनका समय के लिए, टाइम के लिए हमने इसका प्रयोग देखा कि किस मीन्स के लिए हम समय के लिए प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे, किस किस के लिए, मंथ्स आए, सेशन की बात हो रही हो, ईयर की बात हो रही, तो उनके आगे हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिस टाइप से मैंने कुछ एग्जांपल देके तुम्हें समझाया है, बात करते हैं ऐसे ही ऐड की, ठीक है। ऐड का भी प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, जहाँ समय की बात हो रही हो तो उस जगह पे भी हम ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़, किस मीन्स के लिए कर सकते हैं, कि ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हो, लेकिन वो टाइम कैसा हो, एक्सपेक्टेशन हो, मतलब एक फिक्स टाइम ना हो, तो उस टाइम के लिए, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट टाइम हो हमारा, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको, एट 11:15 PM, ठीक है, एट नून, एट नाइट। अब ये हम कह नहीं सकते ना कि एट नून क्या है, एट नाइट क्या है, ठीक है भाई, इस चीज़ एक एक्सपेक्टेशन है हमारी कि एट नाइट, तो भाई पूरी रात से कहते हैं, नून भी पूरे से कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या है, एट का प्रयोग किया। तो ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तो उस जगह पे हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बात करते हैं अब सिंस की, किसकी, सिंस की, तो सिंस का भी हम समय के लिए करते हैं, लेकिन समय के किस मीन्स के लिए करते हैं, हम फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, इन टाइम अंटिल नाउ, मतलब सिंपल सी बात यह है कि फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट, समय के एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो अंटिल कब तक, नाउ कब तक, पास्ट से नाउ, पास्ट टिल नाउ, मतलब जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, पास्ट से और अब तक की बात हो रही हो, तो हम सिंस का यूज करेंगे समय के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए हम सिंस का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि 1980, तो 1980 क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, लेकिन कब का है, पास्ट का है, ठीक है। तो उसके लिए हमने किस प्रीपोजिशन का यूज किया, सिंस का यूज किया। अब ऐसे ही बात करते हैं, सिंस यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, कल वाले, ठीक है, तो हमने सिंस का यूज किया। सिंस चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, बचपन भी कब आता है, भाई पास्ट में ही आता है, तो सिंस चाइल्डहुड, तो ऐसे ही हम प्रयोग करेंगे। ये फॉर, फॉर भी हमारा समय के लिए, टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब लेकिन फॉर जो समय के लिए यूज किया जा रहा है, वो किस मीन्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो किया जाता है ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, लेकिन ओवर, ठीक है। तो जैसे कि फॉर ए 3 ईयर्स, ठीक, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम एक ये भी कह सकते हैं कि ये तो हमारा होता है अनिश्चित, मतलब हमें पता नहीं है कुछ किस चीज़ के लिए थे, ठीक है, तो फॉर का यूज इस। अब आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जो समय के लिए प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, मैं आपको ये है कि सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं आगो, तो देखो बात करते हैं, अभी हमने क्या है अगो, ठीक है, तो अगो भी हमारा क्या है, समय के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, टाइम प्रीपोजिशन के लिए, समय के लिए, जहाँ समय की बात हो रही हो वहाँ पर हम अगो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन किस मीन्स के लिए करते हैं, फ्रॉम नाउ टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, भाई पास्ट तक, मतलब आप लास्ट में तो हम क्या कर रहे थे, जो फॉर का यूज़ कर रहे थे, सिंस का यूज़ कर रहे थे, वो स्पेसिफिक पॉइंट टिल नाउ तक कर रहे थे, लेकिन जो अगो होता है वो क्या है, फ्रॉम नाउ टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब नाउ टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट तक, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सी भाषा में इसको नाउ टिल पास्ट, ठीक है, नाउ से पास्ट तक, अब से पास्ट तक, जिस की बात की जा रही हो समय की, तो वहाँ पर अगो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, एक सेकेंड अगो, ये वाइल अगो, ठीक है, तो इससे अपन के लिए समझ में आ रहा है, ए सेकेंड अगो, एक सेकेंड पहले, ठीक है, तो अब से पिछले की बात की जाएगी, ठीक, जैसे ही बिफोर की बात करते हैं, तो बिफोर भी हमारा समय के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस समय के लिए यूज किया जाता है, किस मीन्स के लिए किया जाता है, जहाँ प्रीवियस टू की बात हो रही हो, जहाँ प्रीवियस की बात हो रही है, जैसे बिफोर विंटर, ठीक है, बिफोर विंटर या बिफोर डाउन, किसी से मतलब प्रीवियस की बात की जा रही है, तो उस जगह पे हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम आफ्टर का यूज करते हैं, आफ्टर वही समय के लिए, लेकिन किसके लिए, सबस्क्रिप्टेंस इन टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि आफ्टर मिडनाइट,
आफ्टर टू मारो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या, आगो, बिफोर, आफ्टर, ऐसे ही टू पास्ट का यूज करते हैं। टू पास्ट का यूज करते हैं हम टेलिंग द टाइम, मतलब समय बताने के लिए, जैसे कि 10 मिनट टू ओ क्लॉक, ठीक, 10 मिनट्स पास्ट टू ओ क्लॉक, मतलब जहाँ समय बताने की बात आ रही हो तो वहाँ पर टू या पास्ट का यूज करेंगे, किसके लिए, समय प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम ऐसे ही हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको प्रीवियस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। आपको मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फर्स्ट समझा दिया सेकंड क्लासिफिकेशन का, लेकिन इसका सेकंड टाइप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का, ठीक है। बात करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की, किसकी, प्लेस, मतलब जहाँ स्थान की बात आ रही हो तो उस जगह पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको, देखो अभी थोड़ी देर में दोबारा फिर समझा देता हूँ। सेकंड क्लासिफिकेशन आपको जो बताया था वो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और स्पेशल, ये फोर्थ बताए थे। तो आपका ये सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो ये सेम हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे। जैसे कि इस लाइन में मैंने प्रीपोजिशन जो भी टाइम प्लेस के लिए जो यूज होते हैं वो दर्शाने की कोशिश की है। सेकंड लाइन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक्सप्लेनेशन या मीनिंग, मतलब हम जैसे कि इन हम समय के लिए भी यूज करते हैं, प्लेस के लिए भी यूज करते हैं और डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि इनका लेकिन किस मीन्स के लिए करेंगे। जैसे कि आप बात कर रहे हैं हम प्लेस की, तो प्लेस के लिए इन भी यूज हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, लेकिन टाइम के लिए भी हो रहा था, लेकिन मीन्स अलग अलग था भाई। वहाँ पे मीन्स अलग था लेकिन इस जगह पे मीन्स अलग आ रहा है। तो इस लाइन में मैं मीन्स दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे कि बात करते हैं इनकी, ठीक है, इन प्रीपोजिशन इस जगह पे हम किसके प्लेस के लिए, स्थान के लिए यूज कर रहे हैं। तो जैसे लेकिन किस मीन्स के लिए करेंगे, जैसे कि पोजिशन हो, या तो पोजिशन की बात आ रही हो, या स्टेट इनसाइड समथिंग, ठीक है, या स्टेट इनसाइड समथिंग की बात हो रही हो, तो उस जगह पे हम प्लेस के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि इन लंदन, ठीक है, लंदन क्या है, एक स्टेट है, इनसाइड मतलब स्टेट इनसाइड है कोई समथिंग, ठीक है। इन द बुक क्या है भाई, एक पोजिशन है, बुक क्या है, बुक, ठीक है। तो इसलिए इनका प्रयोग हम किसके लिए, प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि बुक के अंदर वो चीज़ मिलेगी, तो एक पोजीशन ही तो हुई कि बुक, मतलब बुक के अंदर ही मिलेगा, तो उस जगह पे हम प्रीपोजिशन क्या है, इनका ही यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम ऑन का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं, लेकिन किस मींस के लिए करते हैं, ये सर्टेन साइड, या तो लेफ्ट की बात हो रही हो या राइट की बात हो रही हो, ठीक है। तो उस जगह पे हम किसका, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसके लिए, प्लेस के लिए। तो एग्जाम्पल जैसे ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब जैसे कि मोहन रोहन के लेफ्ट साइड में, तो आप उस जगह पे प्रीपोजिशन जो यूज करेंगे वो करेंगे ऑन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बात करते हैं ऑफ, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन की, तो ऑफ भी हमारा प्लेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस मींस के लिए किया जाता है, फ्रॉम ए प्लेस या पोजिशन, मतलब किसी प्लेस से या पोजिशन, मतलब किसी प्लेस से या पोजिशन, इनका अगर मीन्स निकल रहा हो सेंटेंस के अंदर, तो उस जगह पे हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑफ, ठीक है। तो जैसे कि ऑफ द टेबल, ऑफ द वॉल, ठीक है। तो जैसे कि घड़ी दीवार पे है, तो उस जगह पे क्या है, मतलब पोजीशन की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, तो उस जगह पे क्या है, ऑफ द वॉल। तो इसी टाइप से हम क्या है, अंडर, डाउन, अप, ठीक है, इनका प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे अंडर का यूज करते हैं इन्हें लोअर पोजिशन के लिए, डाउन का यूज करते हैं डिसेंडिंग डायरेक्शन के लिए, मतलब एक डिसेंडिंग क्रम में। आपका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं फ्रॉम ए लोअर टुवर्ड्स ए हायर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का रीड किया, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, किसकी, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। देन हम बात करेंगे स्पेशल प्रीपोजिशन की। बात करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, जो आपका थर्ड नंबर का प्रीपोजिशन है सेकंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। तो इसको भी हम टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे। जैसे कि प्रीपोजिशन हमारा अक्रॉस हुआ, किस मींस, अब इसका यूज किस मींस के लिए कर रहे हैं हम, ऑन, एट, टू और फ्रॉम द अदर साइड, मतलब इनसे अदर साइड के लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे कि अक्रॉस द स्ट्रीट, लाइन अक्रॉस द पेपर, ठीक है। तो
एग्जाम्पल से आप क्लियर समझ चुके होंगे कि अक्रॉस का प्रीपोजिशन का यूज डायरेक्शन के लिए किस मीन्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम टू का यूज करते हैं, तो टू का यूज जो किस मीन्स के लिए करेंगे, इन ए डायरेक्शन टुवार्ड ए पर्सन या थिंग, मतलब किसी पर्सन या थिंग की डायरेक्शन टुवार्ड के लिए, ठीक है। डायग में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि गो टू बेड, मूव ऑन टू, बैक टू हेल्प, तो ये मैंने तीन एग्जाम्पल दिए हैं, आप इससे क्लियर हो गया हो। जैसे कि इन्हें डायरेक्शन टुवार्ड ए पर्सन या थिंग, मतलब गो टू बेड एक डायरेक्शन बताई जा रही है किसकी, थिंग, वस्तु या पर्सन की, ठीक है। मूव ऑन टू, बैक टू हेल्प, तो इसी प्रकार से हम इन टू को समझेंगे। इन टू भी हमारा किसके डायरेक्शन प्रीपोजिशन के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन के लिए, जहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है उसी जगह प्रीपोजिशन इन टू का यूज किया जाता है, लेकिन किस मीन्स के लिए किया जाता है, कि मूवमेंट जो हो रहा हो वो मूवमेंट टू इनसाइड, मतलब अंदर के लिए मूवमेंट हो रहा हो। तो जैसे कि वेंट इन टू द किचन, ठीक है। फ्रॉम आपका क्या है, फ्रॉम भी आपका डायरेक्शन या मूवमेंट के पर्पज से आपका प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे कि फ्रॉम का किस मीन्स के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जा रही हो तो उस जगह पे हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि वॉक होम फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया होम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि जब एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो या मूवमेंट ऑफ इनसाइड की बात हो रही हो, तो उन इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए जो प्रीपोजिशन हमने बताए अक्रॉस टू इन टू फ्रॉम, इनका यूज करेंगे। इसी प्रकार हम कुछ फोर्थ जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारा फोर्थ टाइप था स्पेशल प्रीपोजिशन, तो मतलब कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो ना तो टाइम के लिए, ना ही प्लेस के लिए और ना ही डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो कुछ कंडीशन अलग होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन बनाए हुए हैं, तो उन प्रीपोजिशन को हम नेक्स्ट टेबल के रूप में पढ़ते हैं। बात करते हैं हम स्पेशल प्रीपोजिशन की, किसकी, प्रीपोजिशंस की, ठीक है। तो स्पेशल प्रीपोजिशन हमारे क्या है, ऑफ हुआ, बाय हुआ, अबाउट हुआ, फॉर हुआ, विद हुआ। अब हम समझते हैं कि इनके किस मीन्स के लिए हम इसका इनके यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑफ का है तो ऑफ का जो करते हैं, ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम, कंपोज्ड ऑफ, एसोसिएट विद, तो इन चीज़ों के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि मैन ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल दिया है मैन ऑफ द नॉर्थ, तो ये तुम्हारा क्या है, एक एसोसिएटिव विद के साथ आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या है, यूज प्रीपोजिशन का, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, ठीक है। ऐसे ही हम बाय का प्रयोग करेंगे, किस कैसे, जहाँ इन द नेम ऑफ, ठीक है, इन द नेम ऑफ, या थ्रू द एजेंसी, या और एक्शन ऑफ, इन मीन्सों के लिए हम बाइक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि बाइक कार, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया उसने, इन द नेम ऑफ, ठीक है, वन बाई वन लेफ्ट, ठीक है, तो थ्रो द एजेंट्स, ठीक। ऐसे ही किल्ड बाई ए बुलेट, एक्शन हुआ तो किल्ड बाई ए बुलेट, इन चीज जैसे इस टाइप से हम और बाइक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इन मीन्सों के लिए। अब बात करते हैं अबाउट की, ठीक है, तो अबाउट का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी के लिए, मतलब जहाँ एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी की बात की जा रही हो तो वहाँ पर हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि कितने लोग थे, ठीक है, मतलब किसी क्वांटिटी की बात की जा रही है, एस्टिमेट करना है हमें उस जगह पर, उस जगह पर अबाउट है, तो उस जगह पर हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फॉर का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इंडिकेट द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट हो रहा हो, या एम की तरफ, या पर्पज की तरफ, या तो ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट हो रहा हो, या किसी एम की तरफ इंडिकेट हो रहा हो, या किसी पर्पज के लिए इंडिकेट हो रहा हो, तो उस जगह पे हम जो यूज करेंगे प्रीपोजिशन वो फॉर यूज करेंगे। जैसे कि हैप्पी फॉर यू, तो एक क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक पर्पज है, फॉर सेल, सेल क्या है, हमारा एक पर्पज है, ठीक है, तो जैसे प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं विद की, तो विद भी हमारा स्पेशल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, तो इसका जो यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब उपस्थिति, जहाँ उपस्थिति की बात हो रही हो प्रयोग की, ठीक है, तो उस जगह पे हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि विद ए फ्रेंड,
तो एक फ्रेंड क्या है, मेरे साथ उपस्थिति तो है, तो प्रेजेंस प्रेजेंस के लिए, प्रेजेंस के लिए हम उस चीज विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या है प्रीपोजिशन का अध्ययन किया। और प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक सब्सक्रिप्शन है, उस पर जाके आप एक्सरसाइज आप ले सकते हो प्रीपोजिशन की, और आप इसका रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन, ठीक है।